प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, देखे इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी, किसी यही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। हाय, व्हाट्स अप? अरे कहाँ जा रहा है बेटा? हम कहते थे ना कि तुमको खुद संभालना पड़ेगा अपने पति को। अब वादा करते हैं जज साहब कि आपकी बेटी हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी, बशर्ते कि आप हमारी खुशियों पर लगे ग्रहण को हटा दें। बहू कहाँ है? मुझे क्या पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता, मैंने पूरे घर पे भी देख लिया, वो नहीं दिख रही है। अगर किसी ने सुना कि घर की बहू गायब है तो घर की इज्जत का क्या होगा? माँ आप शांति रखो, यही कही होगी, मैं देखती हूँ, ठीक है? कुछ पता चला? मैंने और अपूर्वा ने सब जगह ढूंढ ली, बहू का कहीं पता नहीं। हे प्रभु, ये तो बहुत गलत हुआ। यदि लोगों को पता चलेगा कि शादी के दूसरे दिन बहू घर छोड़ के चली गई है तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें लोगों की पड़ी हुई और यहाँ पे मेरा सारा किया धरा चौपट हो गया इस लड़के की वजह से। एक मिनट, क्या कहा आप? किया धरा? What do you mean that? वो हमारी जमीन है ना बाईपास के किनारे वाली, जिसकी वजह से हम लोग लगभग बर्बाद हो चुके हैं। उसका केस निर्मल जी की अदालत में। मैंने सोचा था कि इस रिश्ते से अगर हमें कोई फायदा होने वाला है तो अब लगता है कि वो फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो ये शादी शादी नहीं, एक बिजनेस डील है। इसलिए आप चाहते थे कि उसी लड़की से मेरी शादी हो? ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। शादी तो देव ने करवाई, ये तो इत्तेफाक है कि हमारा केस निर्मल जी की अदालत में है। अगर हमें हमारे किसी रिश्तेदार से फायदा होता है तो इसमें बुराई क्या है? आई कांट बिलीव दिस। हद हो गई, घर में आग लगी हुई है और आप लोग तेल के कुएं खोदने की बात कर रहे हैं। ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। पहले आप पता लगाइए कि बहू कहाँ है। आप संधि जी को फोन लगाइए और आप पता कीजिए कि बहू वहां है या नहीं। एक मिनट डैड, हम बिना कंफर्म किए भाभी के घर फोन नहीं कर सकते क्योंकि शायद ऐसा हो वहां की जगह कहीं और हो। अरे पर बिना बताए ऐसे कैसे? बिना बताए पर इतनी सुबह? मम्मा सुबह मंदिर भी तो जा सकती है ना। राइट, बिल्कुल ठीक हो लौट बेटा। अरे तुम जाके पास के मंदिर में देखो, कहीं बहू वहां तो नहीं। फाइन डैड। हरी जी भैया, मेरे जूते। मॉम डैड, मैं पड़ोसियों के पास देख के आती हूँ। कहाँ जा सकती सुबह से? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ। मानसी, मानसी, यहाँ पर तो है नहीं मानसी।
फिर कहाँ जा सकता? कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई? अगर ऐसा है तो मुझे जाके देखना पड़ेगा। देख कौन आया। मानसी अकेली आई है? जुवाई नहीं आए? मानसी अच्छा हुआ तू आ गई। अरे लेकिन माँ ये तो पूछो, ये अकेली क्यों आई है? जुआ ही नहीं आए? देखो बेटा, नई बहू को ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए। सब कुछ ठीक तो है ना? बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मानसी पता नहीं क्या हुआ होगा, मेरा तो सोच सोच के दिल घबरा रहा है। आराम से। बाप कुछ बोलेंगे प्लीज, नहीं तो मैं पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है। ऐसे कैसे सुखे सुखे पूछताछ कर रहे हैं आप लोग? जब से आई है सवाल पे सवाल करते जा रहे हो। मामूनी तू जा, आज जोने के लिए कुछ नाश्ता लेके। आई जोने? मानसी और ये आप लोगों को क्या हो गया? और ये तुम सब ऐसे कैसे बैठे हो? और मानसी ससुराल से अकेले आ गई क्या? कोई आया नहीं उसके साथ? ओ, तो ये बात। मैं खुद ही हूं। मैंने ही अपनी आई जोनी को गड्ढे में धकेल दिया। क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ, अंदाजा तो था मुझे, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि मैंने नहीं सोचा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या किया तूने? अरे तुझे सब कुछ पता था इसके ससुराल के बारे में, तो उस घर में इसकी शादी क्यों कर दी? बस ना, यही मात खा गया मैं, यही मात खा गया। जब तक मुझे पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पराई हो चुकी थी मेरी बेटी, पराई हो चुकी थी। पापा
क्या पता चला आपको? बेटा तुम्हें याद है तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन एक आदमी मुझसे मिलने आया था। जीवन बरुआ नाम का, तुम्हें याद है ना? तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन एक आदमी मुझसे मिलने आया था। जीवन बरुआ नाम का, तुम्हें याद है ना? हाँ पापा, पर वो बात मेरे ध्यान में कैसे नहीं आई? वो आदमी तो मेरे ससुराल में भी था। बेटी, ये वही आदमी है वो जो सरकारी जमीन को हड़प करने का मामला था ना, मुझे घूस देने की कोशिश की थी उसने और मैंने जमकर जमकर फटकार लगाई थी, वो आदमी है ये। मतलब ये आदमी वही था जिस दिन उसके साथ बात करते करते आपका मूड खराब हो गया था? लेकिन ये मानसी के ससुराल में क्या कर रहा था? बात क्या है पापा, साफ साफ बताइए। बेटी, बात यह है कि ये आदमी एक तरफ से मुझे अपना दुश्मन कहता है और दूसरी तरफ से मानसी के ससुर यानी कि आर्य के पापा के साथ उनके हर बिजनेस में उनका पार्टनर भी है, यहां तक कि इस केस में भी। मतलब ये एक शादी नहीं पर दुश्मन की साजिश थी? मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। इस आदमी ने मुझे इनडायरेक्टली उनके इस केस में अपना पक्षपात करने की धमकी भी दी। ओम शिव शिव शिव। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भला, उस शादी में तो स्वयं देव भी शामिल थे ना। हाँ, फिर ये सब कैसे? देखिए, एक बात तो तय है, इसके बाद हम मानसी को उस घर में कभी नहीं भेजेंगे। जो कुछ भी है मेरी मानसी की बलि तो चढ़ गई ना। सब गलती मेरी है, इसका जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे। पापा, आप दूसरों के किए का सजा खुद पर क्यों ले रहे हैं? आप ये सब जानबूझकर तो नहीं किए हैं ना? और अच्छा हुआ कि आप ये सब कुछ पहले ही बता दिया। और वैसे भी मैं वो घर छोड़कर तो कोई और कारण से आई हूँ। अब मुझे जायज वजह भी मिल गई है। आइए आइए देव।
बैठिए। अच्छा हुआ देव आप आ गए, कम से कम परेशानियों की जड़ तो पता चलेगी। आरती, अरे अभी देव अभी अभी तो आए, उन्हें थोड़ा विश्राम करने दो, उसके बाद आराम से पूछ लेने जो भी तुम्हारी समस्या है। हम समाधान के लिए ही आए हैं यजमान। तो आपको ये जानना भी जरूरी है देव कि आपने जिस घर में मानसी की शादी करवाई है वो घर वाले आपके परिवार से रिश्तेदारी के योग्य नहीं। ऐसा आप समझते हैं, पर ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कंस का अत्याचार भी भगवान की मर्जी थी और श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध भी भगवान की ही मर्जी थी। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो होने दे और हम अपनी लाडली को दुश्मन के घर भेज दे? नहीं, आप बहुत समझदार हैं बेटी, लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि जब मैंने वर और कन्या की कुंडली मिलाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये देव योग है। बेटी के ससुराल वाले जैसे भी हो, पर आपका ये जमाई आपकी बेटी के लिए पूरी दुनिया में इकलौता काबिल वर है। बेटी के ससुराल वाले जैसे भी हो, पर आपका ये जमाई आपकी बेटी के लिए पूरी दुनिया में इकलौता काबिल वर है। इन्हें अंदर ले आओ, लगता है मानसी को मनाने के लिए आए। और हाँ, ये चर्चा उसके सामने कभी नहीं होनी चाहिए। ले आओ। सब कुछ ठीक है घर में? पाप चढ़ाओगे क्या मुझ पे? तुम मुझसे तो नाराज होके आई थी ना, तो मैं तो मनाऊंगा। अब तुम्हारे पैर नहीं छूऊंगा तो तुम मेरे साथ वापस तो चलोगी नहीं। सब भगवान की मर्जी है। मानसी बेटी, तुम जिस सुखद मोड़ में प्रवेश करने वाली हो उसका सफर शुरू हो चुका है। यह उसका पहला पड़ाव है। तो आप लोगों की इजाजत हो तो मैं मानसी को अपने साथ ले जाऊं? जरूर ले जाना बेटा, मगर आज नहीं। जब आई जोनी इधर आ ही गई है तो घर उठा की रस्म के बाद ले जाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कहा देव ने। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वीवी को फोन लगा देता हूँ। आरती, तुम जाओ, जवाई के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त। जी, आमीन। एक नंबर का नालायक है मेरा बेटा।
सारे किए धरे पे पानी फेर दिए। दर्जनों लड़कियां घुमाता है लेकिन एक बीवी नहीं संभाली गई उससे। बताओ अब जज को हम ब्लैकमेल किस बात पे करेंगे जब मोरा ही अपने पाले से निकल गया। कोई चांस नहीं। अच्छा ये बताओ बेटे ने बहू के साथ सुहागरात मनाई कि नहीं? यही तो रोना है यार। अब जज चाहे ना तो यो चुटकियों में अपनी बेटी को डिवोर्स दिला सकता है। आप लोगों में क्या खिचड़ी पक रही है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कुछ समझ में ना ही आए वही अच्छा है। मैं समझना भी नहीं चाहती लेकिन बहू को कुछ अता पता चला? अरे जज साहब का फोन। जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। फोन उठाइए बात कीजिए। हेलो 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 भी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ अच्छा हूँ। आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा। खैर मैंने आपको गौर उठा की रस्म याद दिलाने के लिए फोन किया था। तो आप सब लोग आ रहे हैं ना? हाँ लेकिन वो आर्य और मानसी तो जुवाई और मानसी यहीं पर ही हैं। मैंने जुवाई को बोला है गौर उठा की रस्म के बाद मानसी वापस उनके साथ घर जाएगी। तो कल आप लोग आ रहे हैं ना? आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार। जी जी नमस्कार। क्या बोला उन्होंने? लो आ रहे वहीं पर है और मानसी भी वहीं है। जैसे सब कह रहे थे कल घर उठा के बाद वो लोग दोनों वापस आएंगे। नालायक। जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि मेरी बेटी आपके घर में पत्नी का सुख पा रही और खुश है तब तक मेरे साथ अपने लिए किसी काम की कोई उम्मीद ना रखे। नमस्कार। बेटे की शादी के पीछे आपका और मेरा नजरिया भले ही अलग हो लेकिन मकसद तो एक ही है ना। जो लिख लिया गया है लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया किसने है